छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य विष्णुदेव साय, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा और भाजपा बस्तर संभाग प्रभारी व राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे दंतेवाड़ा पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल को कुशासन बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में लूट, दहशत और अपराध का माहौल बना रखा है। भाजपा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, ईडी द्वारा उजागर किए गए घोटाले, आरक्षण जैसे कई मामले उठाए और 22,000 समूह की महिलाओं के रोजगार छीनकर एक निजी कंपनी को फायदा देने की बात भी कही। वहीं भाजपा ने हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने और कांग्रेसी नेता द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार कराए जाने की बात भी कही। साथ ही भाजपा ने दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लकमा को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई और 3 दिसंबर तक आरक्षण न दिला पाने की सूरत में इस्तीफा देने के वचन को पूरा करने की मांग कर डाली। भाजपाई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में केवल लूट मचाकर अन्य राज्यों के चुनाव खर्च के लिए एटीएम का काम कर रही है और भूपेश सरकार का ये 4 साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात का कार्यकाल रहा है। शांति के टापू छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का कार्यकाल रहा है। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, शराब माफिया पैदा करने वाला कार्यकाल रहा है। इन मुद्दों के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर आपने कवासी लखमा के बारे में एक बयान जारी किया। कवासी लखमा जी ने भानु प्रतापपुर चुनाव के दौरान सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा की थी कि अगर 3 दिसंबर को मैं आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं दिला पाया तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 3 दिसंबर को बीते, आज 13 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो कवासी लखमा जी अगर अपने वचन का पालन करना चाहते हैं तो कब इस्तीफा देंगे और राजनीति से संन्यास लेने की कब घोषणा करेंगे बताएं। सर देखिए, यहाँ जितने अवैध काम चल रहे हैं उस सारे अवैध काम करने वालों को संरक्षण इस सरकार का मिला हुआ है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो ईडी ने कार्रवाई की 152 करोड़ के भ्रष्टाचार की, सब मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोग उसमें संलिप्त हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है।